नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो चलिए दोस्तों, फिर से सोल्व करते हैं सीटेट 2012 का जो प्रथम प्रश्न पत्र है संस्कृत का उसको, और इस बार हम जो पैडागोजी के क्वेश्चन हैं 15 उन्हें सोल्व करेंगे। और आपका 15 में से कितना स्कोर हुआ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए आज की क्लास जो है वो 16 जो क्वेश्चन है वहाँ से शुरू होती है। तो निर्देश पहले पढ़ते हैं। निर्देश में कहा गया है सर्वोपयुक्तम विकल्पम चित्वा निम्नलिखित प्रश्नानुत्तरत, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो 16 क्वेश्चन है वो ये इसमें है, यदा अध्यापिका अवगमने क्लेशान न्यूनताम च ज्ञात परीक्षाम करोति तादृशी परीक्षा एव भवति। तो क्वेश्चन में कहा गया है जब अध्यापिका जानने के लिए, क्लेशान का अर्थ हो गया यहाँ पर कष्टों को या समस्याओं को, न्यूनताम कमियों को, च का अर्थ हो गया और ज्ञात परीक्षा करोति ज्ञात परीक्षा करती है, तादृशी परीक्षा एवं भवति यानी कि ऐसी परीक्षा होती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि कोई अध्यापिका जो समस्या है और जो कमी है छात्रों के अंदर, यदि उनको जानने के लिए कोई परीक्षा करती है तो ऐसी परीक्षा क्या कहलाती है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, फर्स्ट ऑप्शन में है ए उपचारात्मक परीक्षा, बी ऑप्शन है सिद्धि परीक्षा, थर्ड है नैपुण्य परीक्षा और लास्ट ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन निदानात्मिका परीक्षा। तो देखिए जब भी कोई अध्यापक जो छात्र के अंदर जो भी मतलब कमियां हैं और जो भी समस्याएं हैं उनको जानने के लिए कोई परीक्षा करती है तो ऐसी परीक्षा जो होती है वो कहलाती है निदानात्मक परीक्षा। ठीक है, जब छात्रों को जो है कोई भी समस्या होती है समझने में या कोई भी इसके अंदर कमी होती है और उसको क्या करते हैं, उसको जो पता लगाने के लिए जो कोई परीक्षा कराई जाती है तो ऐसी परीक्षा को कहते हैं निदानात्मक परीक्षा, निदानात्मक परीक्षा। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन निदानात्मिका परीक्षा। क्वेश्चन देखिए 17, क्वेश्चन नंबर 17, चित्रांकने पाई चार्ट मध्य च प्रदत्तम विषयम उपयुज्य प्रबंधम रचयितुम यदा छात्रा निर्दिष्टा तदा प्रधानोद्देश्य अयम भवति। तो क्वेश्चन में पूछा गया है चित्रांकन में पाई चार्ट और मध्य में दिए हुए विषय का उपयोग करके और प्रबंध करके उसकी रचना करने के लिए जब छात्रों को जो है निर्देश देता है देती है तब उसका प्रधान उद्देश्य होता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है चित्रांकन पाई चार्ट, मतलब चित्र के द्वारा अंकित कोई पाई चार्ट है। पाई चार्ट आप समझते होंगे जैसे कोई एक सर्कल होता है, सर्कल के जो है 5-6 भाग उसमें डिवाइड उसे कर दिया जाता है और उसमें चित्रों के द्वारा क्या कर दिया गया है उसे अंकित कर दिया गया है, यानी कि उसको जो है पार्टों में जो है डिवाइड कर दिया और उसमें जो है चित्र बनाकर उसके नीचे उसका नाम अंकित कर दिया और बीच में जो है कोई भी जो विषय है उसने जो है वो लिख दिया है, जो कोई भी विषय वो लिख दिया है। तो जब कोई भी शिक्षक या शिक्षिका ऐसा कर रही है तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो देखिए यदि हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की, चित्रांकनता शब्दरूपेण विषयानाम परिवर्तनम, कि चित्र से शब्द रूप से जो विषय है विषय में उसका परिवर्तन करना। सेकेंड ऑप्शन है विविध तंत्रई विस्तृता अध्ययनम, विविध यानी अनेक तंत्रों के द्वारा विस्तृत अध्ययन करना। थर्ड ऑप्शन है प्रशंसा द्वारा सृजनात्मकताया पोषणम, प्रशंसा के द्वारा सृजनात्मकता के द्वारा पोषण करना या पूरा करना। और जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है शब्दावलिया पोषणाय साहित्यिक कौशलानाम प्रवृद्धि, तो शब्दावली के द्वारा जो है पोषण के लिए यानी कि उसे पूरा करने के लिए साहित्यिक कौशलों में जो है वृद्धि करना, अधिक वृद्धि करना। तो देखिए सही आंसर इसमें कौन सा होगा, तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि चित्रांकन में पाई चार्ट और मध्य में जो दिया हुआ विषय है उसको उपयोग करके और प्रबंध रचना करने के लिए जब छात्र को जो है निर्देश दिया जाता है तब उसका प्रधान उद्देश्य यह होता है। तो इसका जो प्रधान उद्देश्य होता है वो यही होता है कि चित्रांकन से शब्द रूप से जो विषय है विषय में उसका परिवर्तन करना। तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में पूछा गया है भाषा अध्ययन आकलन च विभाग यानी पोर्टफोलियो नाम। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाषा अध्ययन में और आकलन में जो विभाग यानी पोर्टफोलियो है वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रति सत्रम छात्र व्यवहार अभिलेखनम, यानी कि जो प्रत्येक सत्र है उसमें छात्र का जो व्यवहार है उसको लिखना कि जो छात्र है छात्र के व्यवहार में जो है कितना रूपांतर हुआ है कितना चेंज हुआ है उसे लिखना। सेकंड ऑप्शन है सावधिक लेखन
लेखनिक परीक्षा यानी कि सावधिक लेखन परीक्षा करना या वर्ष में जो मतलब वार्षिक जो परीक्षा होती है वार्षिक लेखन परीक्षा। थर्ड ऑप्शन है सी ऑप्शन, प्रति सत्रम क्रियमाणा मौखिक परीक्षा, प्रत्येक सत्र जो क्रिया है मतलब जो भी कार्य हैं उसके लिए जो है मौखिक परीक्षा करना। और जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि छात्राया कालिक कार्य संग्रह यह तस्या प्रगतिम दर्शित, कि छात्रों की समय समय पर जो कार्य संग्रह है और उसकी यह अर्थ होता है जो जो उसकी प्रगति है उसको दिखाए, उसे देखना चाहिए। तो देखिए आपको पता होगा कि पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो होता है यह जो है एक फाइल होती है या एक व्यवस्था होता है जिसमें उससे संबंधित जो भी मतलब बच्चा हो या कोई भी व्यक्ति हो उससे संबंधित जो है उसमें उसकी सारी की सारी जानकारी होती है, सारा का सारा डेटा होता है कि इसके ने जो है क्या क्या जो है बच्चे ने क्या क्या हुआ है, इसने जो है कौन कौन से विषय में जो मतलब डिग्री ली हुई है या इसको मतलब क्या क्या आता है, मतलब जो भी उसकी जानकारी होती है जो भी उसका डेटा होता है कि वो कहाँ रहता है और उसका जो है आचरण कैसा है वगैरह वगैरह, मतलब सारी की सारी जो भी जानकारी होती हैं वो इसमें होती हैं जो पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, तो ये जो भाषा अध्ययन है भाषा अध्ययन में और आकलन में जो विभाग यानी पोर्टफोलियो है तो वो क्या होगा, वो ये होगा कि जो छात्र हैं छात्रों की जो है समय समय पर जो कार्य संग्रह है और जो उसकी प्रगति है उसको जो है देखना चाहिए, ये क्या होता है, ये होता है पोर्टफोलियो। ठीक है, कि छात्रों की समय समय पर जो कार्य संग्रह है और जो उसकी जो प्रगति है उसे देखना। तो आंसर होगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, ये क्या होगा, ये होगा पोर्टफोलियो, किसमें, भाषा अध्ययन में और आकलन में, डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्वेश्चन में है रचनात्मक आकलन से प्रधान उद्देश्य, रचनात्मक आकलन का प्रधान उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है छात्र दोषान्वेषणम, छात्र के दोष को खोजना। सेकंड है उत्तीर्णताया अनुत्तीर्णतायाश्च निर्धारणम, उत्तीर्णता और अनुत्तीर्णता का जो है निर्धारण करना। सी ऑप्शन है उपलब्धि मापनम, उपलब्धि मापना। और लास्ट ऑप्शन है बोधनाध्यनोत्तरणीकरणम, यानी कि जो बोधन है जो समझ है जो ज्ञान है उसके अध्ययन का उन्नतिकरण करना। तो सही आंसर इसमें कौन सा होगा, तो देखिए जो रचनात्मक आकलन होता है उसका प्रधान उद्देश्य क्या होगा, यदि हम बात करते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन की छात्र के दोष को खोजना, ये रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं होता है। और यदि हम बात करें सेकंड वाले ऑप्शन की उत्तीर्णता और अनुत्तीर्णता का जो है निर्धारण करना, इसके लिए भी जो आकलन वो नहीं किया जाता है। और यदि हम बात करते हैं सी वाले ऑप्शन की उपलब्धि मापना, कि जो बच्चे हैं बच्चे ने जो है कितने अंक हासिल किए हैं ये उसकी उपलब्धि मापना, तो देखिए इसके लिए भी जो रचनात्मक आकलन है वो भी नहीं होगा। और यदि हम बात करते हैं लास्ट वाले ऑप्शन की बोधन अध्ययन उन्नतिकरण, यानी कि जो बोधन है जो समझ है जो ज्ञान है उसके अध्ययन का उन्नतिकरण, कि बच्चे ने जो उसको कितना जाना कितना समझा, ठीक है, तो इसका आकलन करना ही जो है क्या है, जो रचनात्मक आकलन है उसका प्रधान उद्देश्य होता है कि जो बोध है यानी कि जो ज्ञान है जो समझ है उसके अध्ययन का उन्नतिकरण करना। तो आंसर होगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है इतिवृत्ता अभिलेखनस्योप योग, तो इति का तो होता है इस प्रकार से या यह या ऐसा, वृत्ता वृत्ता का तो जाता है यहाँ पर चरित्र, अभिलेखन यानी कि उसको लिखना, अश्य अश्य का तो गया इसका उपयोग है यानी कि उपयोग है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस प्रकार या यह जो कोई मतलब चरित्र को जो अपने लिखता है, ठीक है, चरित्र को जो लिख रहा है तो इसका उपयोग क्या है, यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई अपने जो चरित्र है उसका जो लिख रहा है तो उसका उपयोग क्या है, आखिर वो क्यों लिख रहा है अपने चरित्र को, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये फर्स्ट वाला ऑप्शन वो ये है कि भाषिक नैपुण्याकलन सहायम, कि जो भाषिक निपुणता है उसके आकलन में सहायता करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है शैक्षणिक क्षेत्र नाम प्रशस्यता, यानी कि शिक्षा का जो क्षेत्र है उसको जो है नापने के लिए। थर्ड ऑप्शन है जीवनस्य अभिवृत्ति नाम मूल्य नाम जीवन कौशलन नाम आकलनम, जीवन की अभिवृत्ति या आदतें और जो मूल्य हैं उनके जीवन के कौशलों का आकलन। डी ऑप्शन है छात्र नाम क्रियात्मक आवश्यकता नाम विश्लेषणम, तो छात्रों के क्रियात्मक आवश्यकताओं का विश्लेषण करना। तो देखिए क्वेश्चन में पहले समझते कि पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है यदि कोई व्यक्ति या कोई छात्र अपनी जो चरित्र है उसकी जो आदतें हैं उनको जो लिख रहा है तो उसका उपयोग, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर उसका उपयोग क्या है। तो देखिए इसका जो उपयोग होगा वो ये होगा कि जीवन की जो भी अभिव्यक्ति है यानी कि उसकी जो आदतें हैं जीवन में उनके मूल्यों का और जीवन के जो कौशल हैं उनका आकलन करने के लिए जो है क्या किया जा रहा है, वो जो अपनी आदतें हैं उनको जो है लिख रहा है उनका उपयोग कर रहा है। तो आंसर क्या होगा इसमें, जो आंसर होगा वो होगा डी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 21।
21 में पूछा गया है, कक्षायाम शिक्षिका विविधान उपायान प्रक्रियाश्च एतदर्थम उपयुञ्जीता। क्वेश्चन पूछा गया है, कक्षा में शिक्षिका विविध या अनेक उपायों और प्रक्रियाओं को इसलिए उपयोग में लाती है या इसलिए उपयोग उनका करती है। फर्स्ट ऑप्शन है विविध छात्र प्रकाराणाम आवश्यकता पूरयितुम, जो विविध छात्र हैं यानी कि अनेक प्रकार के जो छात्र हैं उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है बी ऑप्शन, सब वैदग्ध्यम प्रदर्शितुम, मतलब अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित करने के लिए, अपनी जो विद्वत्ता है उसको दिखाने के लिए। विद्वत्ता का अर्थ होता है उसे कितना आता है, उसे क्या क्या ज्ञात है, उसके पास कितनी नॉलेज है, कितनी जानकारी है, उसके पास कितना ज्ञान है, ये होता है विद्वत्ता। ठीक है, तो अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। सी ऑप्शन है परिणामकारितया छात्रान आकलयितुम, परिणामकारिता के द्वारा जो छात्र हैं उनका आकलन करने के लिए। और जो डी ऑप्शन है वो ये है शीघ्रम पदोन्नतिम स्थिर कर्तुम, तो शीघ्र ही जो पद की उन्नति है उसको स्थिर करने के लिए। तो अब आपको बताना है सही आंसर देखिए इनमें कौन सा होगा। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि कक्षा में कोई शिक्षिका है और जब वो बच्चों को पढ़ा रही है तो वो पढ़ाते समय अनेक प्रकार के उपाय और प्रक्रियाओं का उपयोग कर रही है, तो वो ऐसा क्यों कर रही है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो जब भी कोई शिक्षिका कक्षा में अनेक प्रकार के जो प्रक्रियाएं हैं और उपाय हैं उनको जो है उनके द्वारा मतलब पढ़ाती है, तो वो इसलिए पढ़ाती है कि जो छात्र हैं, छात्र अनेक प्रकार के जो छात्र होते हैं उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। क्योंकि जो भी छात्र होते हैं, आप सभी जानते हैं कि जो छात्र हैं सभी कैसे होते हैं, सभी जो है सभी में जो है भिन्नता पाई जाती है, सभी जो है व्यक्तिगत सभी में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। तो क्योंकि छात्र भिन्न भिन्न होते हैं तो सब जो है कैसे समझते हैं, सब जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है तरीकों से समझते हैं, तो इसलिए वो क्या करती है, नए नए तरीके जो है पढ़ाने में जो यूज करती है, नई नई प्रक्रियाओं के द्वारा वो जो है क्या करें छात्रों को पढ़ा रही है, ताकि जो छात्र हैं उनके अनेक प्रकार की जो आवश्यकता है, ठीक है, अनेक प्रकार के जो मतलब छात्र हैं उनकी आवश्यकता पूरी हो जाए, इसलिए वो क्या कर रही है, वो जो है अनेक प्रकार से जो है क्या कर रही है, पढ़ा रही है ना, प्रक्रियाओं को क्या कर रही है, उपयोग में ला रही है। तो आंसर होगा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन, विविध छात्र प्रकाराणाम आवश्यकताओं पूरयितुम, ठीक है, अनेक प्रकार के छात्र को, अनेक प्रकार के छात्रों के जो आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए जो शिक्षिका या कक्षा में वो क्या कर रही है, अनेक उपाय और प्रक्रियाओं का उपयोग कर रही है। तो आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है व्याकरणम बोधनस्योत्तमोपाय, तो व्याकरण के बोधन का उत्तम उपाय है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण सूत्रनाम छात्री कंठस्थीकरणम, यानी कि व्याकरण के सूत्रों को छात्रों को जो है कंठस्थीकरण करने के लिए कहना। सेकंड ऑप्शन है बी ऑप्शन सह विवेकम, यानी कि विवेकपूर्वक व्याकरणांश अभ्यास उपयोग है, यानी कि विवेकपूर्वक जो है व्याकरण का जो अंश है उसके अभ्यास का उपयोग करना। सी ऑप्शन है अलंकार बोधने केंद्रीकरणम, यानी कि अलंकार की जो बोध है उस पर जो उसका ध्यान है वो केंद्रित करना। और डी ऑप्शन है व्याकरण कार्यनाम एकीकृत उपयोग है, व्याकरण के कार्यों का एकीकृत उपयोग, ठीक है, यानी कि जो व्याकरण है, व्याकरण का जो कार्य है उसको अपने जीवन में उपयोग में लाना। तो आंसर इसमें सही कौन सा होगा, तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्याकरण के बोध का, व्याकरण की जो समझ है उसका उत्तम उपाय इसमें कौन सा है। तो जब छात्र व्याकरण के सूत्रों को जो रटेंगे क्या उससे जो व्याकरण है वो अच्छा समझ आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। और कंठस्थीकरण वाला आंसर बिल्कुल नहीं होता क्योंकि नेगेटिव होता है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, रटने से जो है जो व्याकरण की समझ है वो बच्चों को नहीं आएगी, क्योंकि रटने से क्या होता है बच्चे को जो है कुछ समय के लिए याद रहता है फिर बाद में भूल जाता है। क्या यदि बच्चे विवेक सहित जो व्याकरण का अंश अंश करते हैं यानी कि उसका भाग उसके अभ्यास का उपयोग करेंगे, क्या उससे जो व्याकरण की समझ है वो जो है अच्छे से विकसित होगी, तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है व्याकरण के अंश के अभ्यास की। और मैंने आपको बता रखा है कि अभ्यास वाले जो भी आंसर होते हैं लगभग जो है वो रोंग ही मिलते हैं, ठीक है। तो विवेक से यदि सहित यदि व्याकरण के अंश के अभ्यास का उपयोग करेंगे तो इससे भी जो क्या होगा जो व्याकरण है वो श्रेष्ठ नहीं होगा, व्याकरण में जो समझ है वो अच्छी नहीं होगी। यदि हम बात करते हैं अलंकार के समझ के लिए जो है उस पर ध्यान केंद्रित करना, तो देखिए कि केवल अलंकार अलंकार ही पढ़ाया जाएगा तो क्या उससे जो व्याकरण है बच्चों का वो उत्तम हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है।
क्योंकि व्याकरण में जो सिर्फ अलंकार ही नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यदि हम बात करते हैं डी ऑप्शन की कि जो व्याकरण कार्य नाम एकीकृत उपयोग, कि जो व्याकरण का कार्य है उसको जो है एकीकृत उपयोग करना, यानी कि अपने जो दैनिक जीवन है उसमें उपयोग में लाना, तो आंसर बिल्कुल डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो व्याकरण के जो बोध यानी समझ है, ज्ञान है, उसके लिए जो उत्तम उपाय है वो कौन सा है, वो होगा ये वाला कि जो व्याकरण के जो कार्य हैं उनका एकीकृत उपयोग, तो आंसर होगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन कि जो बच्चा है व्याकरण के जो कार्य है, व्याकरण को अपने दैनिक जो जीवन है उसमें जो है क्या लाए, उसे उपयोग में लाए। जब बच्चा जो है जो व्याकरण है उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाएगा तो उससे क्या होगा, तो व्याकरण के प्रति जो उसकी जो समझ है वो इनक्रीज होगी, तो आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है पाठस्य सवेक परिसर्पणम नाम, यानी कि पाठ का वेग के साथ में पढ़ना, यानी कि कोई छात्र जब पाठ को बहुत जोर से, वेग का मतलब होता है वेग के साथ, यानी कि जोर जोर से पढ़ता है, तो ये क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है मंदम मंदम सावधानम च पाठस्य पठनम, यानी कि धीरे धीरे और सावधानी से जो पाठ है उसको पढ़ना। सेकंड ऑप्शन है निर्दिष्ट सूचना अन्वेषणम, ठीक है, जो निर्देश है सूचना है उनको खोजना। सी ऑप्शन है पाठ्य वस्तु ने प्रमुख उद्देश्य द्रष्टुम शीघ्रावलोकनम, जो पाठ्य वस्तु है उनके प्रमुख उद्देश्य को देखने के लिए उनका शीघ्र ही अवलोकन करना। और लास्ट ऑप्शन इसमें है असंबंध सूचना त्यजनम, असंबंध जो सूचना है उसे त्यागना, तो सही आंसर इसमें कौन सा होगा। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है पाठ को जो है वेग के साथ पढ़ना, यानी कि जल्दी जल्दी पढ़ना। यदि कोई जो छात्र है वो पाठ को जल्दी जल्दी पढ़ रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पज क्या है, तो उसका उद्देश्य ये है कि जो पाठ्य वस्तु है, ठीक है, पाठ्य वस्तु के प्रमुख उद्देश्य को जो है शीघ्र अवलोकन करना, ठीक है, उसको शीघ्र जो है प्राप्त कर लेना, कि जो पाठ्य वस्तु है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है उसको जो है शीघ्र उसका अवलोकन करना। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, पाठ्य वस्तु के प्रमुख उद्देश्य को देखने के लिए उसका शीघ्र अवलोकन करना, ये क्या है, जो पाठ का जो वेग परिसर्पणम, यानी कि पाठ को जो वेग से पढ़ना, ये क्या है, पाठ से वेग से पढ़ना जो है उसका परिसर्पणम मतलब नाम है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन सीधे सीधे यदि हम बात करते हैं इजी वे में, तो इस क्वेश्चन का अर्थ केवल ये इतना है कि जो पाठ है उसको जल्दी जल्दी पढ़ना, यानी कि वेग के साथ पढ़ना क्या है। तो पाठ्य यानी कि पाठ को वेग के साथ पढ़ना क्या है, जो पाठ्य वस्तु है उसका जो प्रमुख उद्देश्य है उसको देखने के लिए उसका शीघ्र अवलोकन करना, तो आंसर सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है छात्रा कथाया अंत परिवर्त्य कथाम पुनर्लिखितुम यदा निर्दिश्यन्ते तदा प्रधान उद्देश्य। तो 24 क्वेश्चन में पूछा गया है कि छात्रों को जो है कथा को परिवर्तित करके कथा को जो है दोबारा से, यानी कि पुनः का मतलब होता है दोबारा या पुनः लिखने के लिए जब जो है निर्देश दिया जाता है, तदा प्रधान उद्देश्य, यानी कि तब जो उसका प्रधान उद्देश्य है क्या है। तो पहले क्वेश्चन को मैं अपनी लैंग्वेज आपको समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई शिक्षक है और वो छात्रों से कह रहा है कि कोई कहानी है, ठीक है, और आप क्या करें उस कहानी को जो है परिवर्तित कीजिए और उसको जो है फिर दोबारा से उसको जो लिखिए, ठीक, अपने शब्दों में, यानी कि उसको जो परिवर्तित कीजिए उसको दोबारा से लिखिए। तो जब ऐसा निर्देश जो शिक्षक है वो छात्रों को देता है तो उसका प्रधान उद्देश्य इसमें से कौन सा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है छात्र सृजनात्मकता वर्धनम, छात्र की जो सृजनात्मकता है उसको बढ़ाने के लिए। सेकंड ऑप्शन है कार्य संग्रह कौशल वर्धनम, कार्य संग्रह कौशल को जो है बढ़ाने के लिए। और जो सी ऑप्शन है वो यह है टिप्पणी लेखन शक्ति वर्धनम, टिप्पणी लेखन की जो शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए। लास्ट ऑप्शन है भावानुवाद कौशल वर्धनम, भाव अनुवाद कौशल को बढ़ाने के लिए। तो सही आंसर इसमें कौन सा होगा, ये आपको देखिए बताना है। तो देखिए जब कोई छात्र, ठीक है, सॉरी, जब कोई शिक्षक छात्र को जो है कोई कहानी को जो है परिवर्तित करके और कहे कि आप जो है दोबारा से अपने शब्दों में लिखिए, तो ये जो निर्देश शिक्षक दे रहा है वो इसलिए दे रहा है ताकि जो छात्र है छात्रों के अंदर क्या है सृजनात्मकता का विकास हो, ठीक है। तो जो छात्र है छात्रों की सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए जो शिक्षक है वो छात्रों को ऐसा कह रहा है कि कोई कहानी को आप क्या कीजिए परिवर्तित कीजिए, चेंज कीजिए और उस फिर कहानी को जो है दोबारा से लिखिए। जब छात्र जो है उस कहानी को परिवर्तित करेंगे, ठीक है, उसमें अपने अंदर से मतलब अपने पास से जो है उसमें कुछ बातों को नई बातों को ऐड करेंगे, जैसे चेंज करेंगे, उसको जब दोबारा से लिखेंगे उससे क्या होगा, छात्र क्योंकि दोबारा से उसको लिख रहे हैं अपने पास से नए शब्दों को उसमें जो है डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो छात्रों की जो शक्ति है, ठीक है, सोचने की, वो कैसी होगी, वो जो मतलब रचनात्मक शक्ति हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो छात्र हैं छात्रों के अंदर जो है सृजनात्मकता का विकास होगा, ठीक। तो जो शिक्षक है वो छात्रों को क्या करना चाहता है, छात्र की जो सृजनात्मकता है उसको बढ़ाना चाहता है। सृजनात्मकता का अर्थ ही होता है कि अपने पास से कुछ नया करना। तो आंसर होगा यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन,
ए ऑप्शन ही हो जाएगा, छात्र सृजनात्मकता वर्धनम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। और एक बात, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, और आपको कमेंट भी करना है और आपका स्कोर कितना हुआ 15 में से, आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये भी आपको बताना है। तो 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन में पूछा गया है, उच्च प्राथमिक स्तरे पठन कौशलम परीक्षितुम उत्तम उपाय है। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो पढ़ना कौशल है, पठन कौशल है, उसकी परीक्षा करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए उत्तम उपाय है, कौन सा उपाय है? फर्स्ट ऑप्शन है अभिजात काव्यानामेव। अभिजात का तो होता है श्रेष्ठ, काव्य के द्वारा ही, संग्रहस्य उपयोग है, संग्रह का उपयोग। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें लिमिट पैदा कर दिया है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे अभिजात काव्यानामेव, ठीक है, जब इसकी संधि विच्छेद होगी तो होगा अभिजात जमा काव्यानाम जमा एव, और एव का अर्थ होता है ही, और ये जो ही होता है ये लिमिट पैदा करता है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल हो गया नहीं, ठीक है, कि जो श्रेष्ठ काव्य है उसके द्वारा ही संग्रह का उपयोग, क्या उसके संग्रह का उपयोग करके ही जो उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल की जो परीक्षण है वो किया जा सकता है, ये क्या एक उत्तम उपाय है? तो बिल्कुल नहीं। तो पहला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा। अगर देखते हैं बी वाला ऑप्शन की, कि निगदित पाठ्य पुस्तकों उपयोग है, यानी कि निश्चित, निगदित का अर्थ होता है निश्चित पाठ्य पुस्तक का उपयोग, अगर जो निश्चित पाठ्य पुस्तक है इनका उपयोग करेंगे, क्या उससे जो उच्च प्राथमिक स्तर है जो पढ़ना कौशल है उसकी परीक्षण करने के लिए उत्तम उपाय रहेगा? तो बिल्कुल नहीं भाई, कि निश्चित पाठ्य पुस्तक बच्चों को जो है उसका उपयोग किया कर लिया जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यदि हम बात करते हैं सी वाले ऑप्शन की, कठिनतम पाठानुच्छेदनाम उपयोग है। कठिनतम, कठिनतम का अर्थ होता है कठिन से कठिन, और आप जानते हैं जो कठिन है, कठिन से कठिन, ये क्या है? एक नेगेटिव टैग वर्ड है, कि कठिन से कठिन पाठ के अनुच्छेद का उपयोग। देखिए जो बच्चे हैं वो किस स्तर के हैं? उच्च प्राथमिक स्तर के हैं। यदि उच्च प्राथमिक स्तर के जो पढ़ना कौशल है उनका परीक्षण करना है, अगर कठिन से कठिन जो पाठ है उनके अनुच्छेद का उपयोग करेंगे, तो क्या ये उपाय श्रेष्ठ रहेगा? तो बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर की तो यहाँ पर बात की जा रही है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चा इतना भी स्ट्रोंग नहीं हो जाता कि आप कठिन से कठिन जो पाठ है उनके अनुच्छेद का उपयोग करेंगे। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। बचता कौन सा, शेष कौन सा है इसमें? तो डी वाला ऑप्शन जो है, कि उचित काठिन्य स्तर नाम अदृष्ट पर्व नाम अनुच्छेदानाम उपयोग है। तो उचित, उचित का मतलब सही, ठीक है, यहाँ पर तो बात किसकी की गई, यहाँ पर की गई कठिन से कठिन की, लेकिन यहाँ पर की गई है उचित, उचित ही, उचित का यानी सही, जो सही है, सही कठिनता के जो स्तर है, ठीक है, उसके लिए क्या करना है? अदृष्ट पूर्वानाम, मतलब जो बच्चे ने पहले नहीं देखा है, ठीक है, जो बच्चे ने पहले नहीं देखा है उसके अनुच्छेद का उपयोग करना, ये क्या है? जो उच्च प्राथमिक स्तर है उस पर पढ़ने कौशल के परीक्षण के लिए उत्तम उपाय है। तो आंसर आगे यहाँ पर डी ऑप्शन, कि जो उचित कठिनता का स्तर है और जो छात्रों ने पहले नहीं देखा है उसके अनुच्छेद का उपयोग आप करेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ना कौशल का परीक्षण करने के लिए, तो ये उत्तम उपाय होगा। तो आंसर यहाँ पर डी होगा, ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 26 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भाषा शिक्षण नियंत्रणम नाम, भाषा शिक्षण में नियंत्रण नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है यथार्थता निर्धारितुम व्याकरणस्य उपयोग है। यथार्थता, यथार्थता का अर्थ होता है शुद्धता, शुद्धता को निर्धारित करने के लिए व्याकरण का उपयोग। बी ऑप्शन है लक्ष्य भाषा या निर्गलोपयोग है, यानी कि लक्ष्य भाषा में जो प्रभावपूर्ण है उसका उपयोग करना। सी ऑप्शन है परिविकसित भाषा शिक्षणम, यानी कि परिविकसित भाषा शिक्षण। डी ऑप्शन है उपाध्याय नियंत्रित भाषा शिक्षणम, यानी कि उपाध्याय नियंत्रित भाषा शिक्षण। तो भाषा शिक्षण में जो नियंत्रण नाम है वो होता है यथार्थता निर्धारित, यानी कि जो शुद्धता है या यथार्थता है उसको निर्धारित करने के लिए व्याकरण का उपयोग। तो आंसर होगा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन। तो भाषा शिक्षण में नियंत्रणता किससे आएगी? भाषा शिक्षण में जो नियंत्रणता वो आएगी जब जो व्याकरण है, व्याकरण का जो है शुद्धता से जो है क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। तो आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। 27 क्वेश्चन देखिए, 27 क्वेश्चन में पूछा गया, छात्रनाम स्वायत्तता प्रोन्नति कर्तुम परिणाम कारिषु मार्गेशु एक है। तो इसमें पूछा गया है छात्रों की जो आत्मनिर्भरता है उसको प्रोन्नत करने के लिए जो परिणामकारी मार्ग है, मार्गों में से एक है, तो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है पौनः पुन्येन छात्रनाम परीक्षणम, बार बार छात्रों का जो परीक्षण करना। सेकंड ऑप्शन है परिप्रश्नम कर्तुम छात्रनाम प्रोत्साहनम, कि प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना। तो देखिए मैंने आपको बता रखा है कि जो बार बार वाले जो ऑप्शन होते हैं, बार बार
कोई भी छात्रों का जो परीक्षण किया जाए, अभ्यास कराया जाए, इस प्रकार के जो ऑप्शन है वो कभी भी सही नहीं होंगे। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार पहले फिर से समझते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो छात्रों की जो आत्मनिर्भरता है, यदि आपको वो प्रोन्नत करनी है और आप एक शिक्षक हैं, आप उसको जो प्रोन्नत करना चाहते हैं, प्रोन्नत का मतलब तो आप समझते ही हैं, ठीक है। जो उन्नत है, उन्नत में क्या जोड़ दिया गया, प्र उपसर्ग जोड़ दिया गया है, यानी कि और भी ज़्यादा उन्नत करना है ना। उन्नत का मतलब आप समझते हैं, उन्नति का अर्थ होता है तरक्की, तरक्की से भी अब इसका अर्थ हो गया यहाँ पर, प्रोन्नति का मतलब हो गया और भी ज़्यादा तरक्की दी छात्रों को करनी है तो उनमें से कौन सा मार्ग अपनाया जाना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा गया है छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है। तो छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी जो प्रोन्नति है उसको करने के लिए परिणामकारी मार्गों में से एक कौन सा है। अब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कठोरानुशासन विधि। तो क्या अगर कठोर अनुशासन विधि अपनाई जाएगी उससे छात्रों के अंदर स्वायत्तता आएगी, आत्मनिर्भरता आएगी? तो बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। और वैसे भी आप जानते हैं कि कठोर जो है क्या है, एक नेगेटिव टैग वर्ड है, तो यह ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। अब डी ऑप्शन में कहा गया है निगदित पाठ्यनाम सविस्तरम पाठनम। निगदित का अर्थ होता है निश्चित पाठ्यों को जो विस्तार पूर्वक पढ़ाना। तो क्या निश्चित पाठ्यों को विस्तार पूर्वक पढ़ाने से छात्र आत्मनिर्भर होंगे? तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो डी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा? तो जो प्रश्न यहाँ पर बचता है वो बी वाला ऑप्शन ही बचता है कि प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना। जब छात्र जो प्रश्न पूछेंगे इससे क्या होगा, छात्र के अंदर जो स्वायत्तता आएगी, आत्मनिर्भर होंगे, उनके अंदर का जो डर है वो दूर होगा, ठीक है। जब डर दूर होगा तो छात्र क्या होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, खुद से जो है कुछ भी करने की जो है क्या करेंगे, वो शक्ति रख सकेंगे। तो आंसर इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन होगा। यदि छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी आत्मनिर्भरता जो है उसकी प्रोन्नत करनी है, तो उसके लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, छात्र को जो है अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। शिक्षा संबंध मूलभूत अधिकार संविधानस्य अनेन परिष्करणेन कार्यान्वयी कृत। क्वेश्चन पूछा गया है शिक्षा संबंध मूलभूत अधिकार संविधान के इस संशोधन में क्रियान्वित किए गए हैं, तो किस में है? तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है शिक्षा संबंध जो मूलभूत अधिकार है वह संविधान के कौन से संशोधन में है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी ये ऑप्शन, वो ये कह रहा है कि संविधान से सर्णवतीत मेन परिष्करण, संविधान के सर्ण का मतलब हो गया यहाँ पर 6, ठीक है, और नवती, नवती का अर्थ हो गया यहाँ पर 90, तो 6 और 90 कितने हो गए, 96, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि संविधान के 96 संशोधन में, बी ऑप्शन है संविधान से 83वें परिष्करण, संविधान के 83 होगा 3 और 80 का होता 80, यानी कि 83वें संशोधन में, तो संविधान के 83वें संशोधन में सी ऑप्शन है संविधान से 87वें परिष्करण, संविधान के 87वें का होगा 86वें संशोधन में, और जो लास्ट ऑप्शन है वो डी संविधान से 93वें परिष्करण, संविधान के 3 का अर्थ हो गया 3, 90 का अर्थ हो गया 90, यानी कि 93वें संशोधन में। तो शिक्षा संबंध मूलभूत अधिकार में संविधान के कौन से संशोधन में है, तो वो है 86वें। तो आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, संविधान के 86वें संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 29 है छात्र कृता सर्वे भाषा दोषा अध्यापकेन नैव शोधनीया यत। तो क्वेश्चन 29 जो उसमें पूछा गया है कि छात्रों के जो सभी भाषा के दोष है वो अध्यापक के द्वारा नहीं शोधित किए जाते हैं, क्योंकि, तो क्यों नहीं किए जाते हैं? तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो छात्र के जो सभी भाषा के जो दोष होते हैं जो अध्यापक है उन्हें दूर नहीं करता है स्वयं सभी को, उनका संशोधन क्यों नहीं करता है? तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है छात्रा शिक्षकान परीक्षितुम सोदेश्यम दोषान कुर्वंती। जो छात्र है वो शिक्षक के परीक्षित करने के लिए उद्देश्य सहित जो दोष हैं वो करते हैं, बी ऑप्शन है तद अत्यंत दुष्कर्म, कि ये जो है ये अत्यंत यानी कि अधिक अत्यधिक जो है दुष्कर कार्य है, कठिन है, सी ऑप्शन है प्रायो दोषा भाषा उबोधनम सूचंती। प्राय जो दोष हैं वो भाषा के बोध को, भाषा की समझ को सूचित करते हैं, और डी ऑप्शन है दोष शोधनम भाषा अवबोधनस्य भागोन, कि जो दोष शोधन है, दोष का जो शोधन है वो भाषा के अवबोध का, भाषा की समझ का भाग नहीं है। तो देखिए डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही निगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, दुष्कर की, ठीक है। तो बी वाला भी नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा, बस यहाँ पर ए और सी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि जो भाषा के दोष है, भाषा के दोष से क्या होता है, क्योंकि बच्चा जो है गलती करके ही सीखता है, ठीक।
तो जब जो छात्र हैं वो क्या करते हैं, गलती करते हैं, भाषा के जो दोष हैं वो अध्यापक के द्वारा शोधित नियुक्त क्यों नहीं किए जाते हैं, वो इसलिए शोधित नहीं किए जाते हैं क्योंकि जो प्राय जो दोष हैं वो भाषा के अवबोध को, भाषा की समझ को क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण उपयोग रूढ़ी शब्दों यथासंख्यम एतत् सूचित है। मतलब संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में, संप्रेषणात्मक आप समझते हैं जो विचार है, विचार का कम्युनिकेशन यानी कि विचारों का आदान प्रदान करना, विचारों का विनिमय क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, तो संप्रेषण का अर्थ होता है मतलब भेजना, सीधे सीधे शब्दों में भेजना। ठीक है, तो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में उपयोग जो रूढ़ी शब्द हैं वो कर्मानुसार, यथासंख्यम का अर्थ होता है कर्मानुसार, यह सूचित करता है। तो क्या सूचित करता है क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो जो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण है उसमें जो उपयोग जो रूढ़ी शब्द है वो यह सूचित करता है। क्या सूचित करता है, फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण ध्वनि विज्ञानम च, व्याकरण और ध्वनि विज्ञान। बी ऑप्शन है कोशस्योपयोगम अर्थम च, कोश और जो कोश का उपयोग और अर्थ का उपयोग। सी ऑप्शन है अर्थ रूपम च, अर्थ और रूप। डी ऑप्शन है ध्वनि शास्त्रम व्याकरणम च, ध्वनि शास्त्र और व्याकरण। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में तो उपयोग रूढ़ी शब्द, तो उपयोग रूढ़ी शब्द, रूढ़ी का मतलब आप जानते हैं जो चेंज ना होती हो, जो पुराने समय से जो चलती जा रही है यानी कि ओल्ड कस्टम। ठीक है, एक परंपरा रीति रिवाज जो होती है। तो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में तो ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका जो उपयोग करते आ रहे हैं। तो देखिए जी हम बात करते हैं डी वाले ऑप्शन की, कि ध्वनि शास्त्र और व्याकरण, जो ध्वनि शास्त्र और व्याकरण है ये कभी चेंज नहीं होते हैं, ये जो जैसा था वैसा ही चलता आ रहा है। तो आंसर होगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, ध्वनि शास्त्र। ठीक है, तो ध्वनि है जो भी अक्षर हैं उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसे हैं वो ऐसे के ऐसे ही हैं, वो जो व्याकरण है व्याकरण भी ऐसा का ऐसे ही, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो जो उपयोग रूढ़ी शब्द हैं वो क्रमानुसार क्या सूचित करते हैं, किसे सूचित करते हैं, तो ध्वनि शास्त्र और व्याकरण को। तो आंसर होगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन। तो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में उपयोग रूढ़ी शब्द क्रमानुसार यह सूचित करता है, तो क्या, ध्वनि शास्त्र को और व्याकरण को। तो आंसर होगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन। और इसी के साथ जो हमारे 15 क्वेश्चन हैं 2012 के वो कंप्लीट होते हैं। तो आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएँ। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्लास को रेडी करने में, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बनाते बनाते जो पसीना बहुत ज़्यादा जाता है। ठीक है, फ़ैन ओपन नहीं करना पड़ता है क्योंकि यदि फ़ैन ओपन करें तो फिर आपको वॉइस क्लियर नहीं आएगी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा जो आप भी क्या कीजिए, आप भी थोड़ा वीडियो को शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते जरूर रहिए और अपना ख्याल रखिए।